अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे सब खैरियत से होंगे। तो यार आज हमारे साथ थोड़ा सा बैड सीन ये हो गया कि हम अपने घर से निकले पीर बाज़ार के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता कि पीर बाज़ार कहाँ लगता है उनको मैं थोड़ा लोकेशन बता दूँ। ये आप गुलबर्ग से समनाबाद आएंगे, समनाबाद से आगे आता है अल्नूर, तो वहाँ पे ये लगता है बाज़ार। और ये बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार है, यहाँ पे ना बड़ी सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक आपके घर में पहनने के ट्राउज़र्स और शर्ट्स वगैरह ना मैं अक्सर वहाँ से लेती हूँ। हर तरह का सामान मिल जाता है, तो आप अंचोली की साइड से भी उधर आ सकते हैं। तो हम वहाँ गए, जब पहुँचे तो पता चला कि आज तो बाज़ार ही नहीं लगा। तो हमने सोचा कि यार अब घर से निकल गए ना तो अब कुछ और भी काम कर लें अपना। तो मेरी बेटी को जो है ना कुछ सामान लेना था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं मेमन फाउंडेशन। तो हम वहीं से जो है वो मेमन फाउंडेशन पहुँचे। तो कराची में रहने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको मेमन फाउंडेशन का नहीं पता होगा। ये बहुत ही मशहूर जगह है और ये मेमन फाउंडेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है ख़वातीन को कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। हर चीज़ वहाँ पर सिखाई जाती है, लाइक सलून का काम हो गया, मेहंदी है, बेकिंग, कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोर और हर तरह का सिखाया जाता है। तो उसमें यह है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ों की एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है तो उससे मुतालिक सारा सामान आपको वहाँ फाउंडेशन से, मेमन फाउंडेशन से बाहर मिलता है। बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एक आंटी का स्टॉल है और ये काफ़ी बड़ा स्टॉल है, इस पर मेकअप का काफ़ी सामान रखा हुआ है और बहुत सस्ता सामान यहाँ पे मिलता है। ये मेकअप ब्रशेस हैं और ये डिफरेंट टाइप का ये है, लिप ग्लॉस हैं। और ये मैं इनके प्राइस भी पूछती हूँ अभी। ये कितने के हैं? ये मेरा 50। एक 50, ये 50 का इन्होंने मुझे एक बताया है। ये हाइलाइटर है और इसके अलावा ये देखिए ब्रश के सेट हैं और फाउंडेशंस हैं डिफरेंट टाइप की, हाइलाइटर्स हैं, लिप ग्लॉस हैं, लिपस्टिक्स हैं, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके प्राइस इन्होंने मुझे 180 बताए, लेकिन ये कम भी कर देंगी। प्राइस बताइएगा। ये इनका काफ़ी बड़ा आंटी का स्टॉल है। उसके बाद हम जो है वो स्टेशनरी की शॉप पे गए हैं, तो वहाँ से जो है ये मेरी बेटी को कुछ लेना था अपना यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये क्रेयॉन्स इनको चाहिए थे, पेस्टल कलर्स, तो वो हमने यहाँ से लिए हैं। और इसके प्राइस भी जो है वो काफ़ी रीज़नेबल हैं, यहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। ये हमें मेरे ख्याल 400 में हमें ये मिल गया है। ये डिफरेंट टाइप के इन्होंने हमें ये दिखाए हैं, पेस्टल कलर्स हैं, वैरायटी भी बहुत है और अच्छी क्वालिटी भी है, थोड़ी लो भी है, लेकिन ये के प्राइजेस बहुत अच्छे ज़बरदस्त यहाँ पे रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे विज़िट नहीं किया और आप कराची में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट, हम घर में पार्टीज़ करते हैं, होम डेकोर का सामान है, बर्थडे पार्टीज़ का सामान है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फैंसी लाइट्स हैं, ये केजेस। अच्छा, और अगर सिंगल लेना हो तो सबसे बड़े वाला साइज़ का बता दें, 500। ये बड़ा वाला 500 का, तीन का जो पीस है ये 1200 का है। ये इसमें कुछ कम ही भी कर देते हैं, अगर आप लोग जाएंगे तो ये कम भी कर देंगे। मैंने ख़ुद भी यहाँ से पहले ले चुकी हूँ मैं सामान, केज वगैरह लिया है मैंने यहाँ से। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के आप ये देख सकते हैं, बलून्स हैं और कैंडल्स हैं, जो आर्टिफिशियल कैंडल्स आजकल चल रही हैं, वो सब कुछ मिल जाता है। ये इनका कार्ड है इनकी शॉप का, रंग वाली है क्या, रेड कलर या एक ही। इसके बाद मेहंदी नजर आई, तो हमने सोचा मेहंदी कोन ले लेते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी कोन है, यहाँ पे ये सिर्फ 20 की मिल रही है, जबकि वैसे हम लेते हैं तो ये हम करीमाबाद से मैं ले चुकी हूँ, ये 100 की इतनी बड़ी मिलती है हमको, और छोटी वाली 50। ये इन्होंने 50 में हमें दोनों दे दिए, 20। ये भी 20 है, ये भी 20 है, 30। अच्छा, ये 30 की है। केमिकल्स तो नहीं है, केमिकल वाली हम भी बढ़वाते हैं ना इसको जी। तो क्या यार, ये जरा अच्छा ना, इसमें इतना हार्ड केमिकल होगा ना, इसमें अंदर ना जाके होगा। क्या चाहिए? ये देखिए ये फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। यहाँ से मैं ये भी पहले ले चुकी हूँ, ये भी बड़े रीज़नेबल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। बेकिंग का सामान है। ये पैन के प्राइस बताना भाई, प्राइस बता दो इसके। ये तीन के सेट के प्राइस है, पूरा सेट 60, 70, 80। ये 60 है, ये 70, ये 80, और ये एक 80। ये
ये डेनिम की जैकेट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो इसके प्राइस मैंने पूछे, ये 1200 ये दे रहे हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इनके पास जो है वो शर्ट्स भी थी, बहुत सारी कुर्तियाँ जो होती हैं वो भी लगी हुई थी, वो 500 से लेके 800 तक की रेंज में थी। अब ये एक शॉप आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए निका पेन जो होते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, ये काफ़ी फैंसी हैं, ये 300 में दे रहे हैं और मैंने ऑनलाइन देखे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं ये 300 में। इनके पास इसमें हर तरह की वैरायटी थी, कम वाले भी थे जो कि 250 और 100 वाले भी थे इनके पास। ये देखिए ये 250 के, ये 300 के, ये सब डेकोरेशन का सामान है, ये प्रॉप्स जो डिफरेंट हम यूज़ करते हैं अपने पार्टीज़ में, ये वो हैं के भी आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इनकी शॉप जो है वो काफ़ी अच्छी थी, खूब जगमग कर रही थी। ये जाते जाते मुझे ये आर्टिफिशियल ग्रास ये नज़र आई, तो मैंने इसके प्राइस भी पूछे, ये 140 पर स्क्वायर कह रहे हैं, 150 स्क्वायर फीट। ये देख सकते हैं लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, लेफ्ट पर जो है मेमन फाउंडेशन है और ये राइट पे जो है ये सारी शॉप्स हैं, काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कितनी ख़राब हो रही है, इतनी बीमारी में मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इतना तो मेरा राइट बनता है। अब ये जाते जाते हमें एक ये बड़ी सी शॉप नज़र आई, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नज़र आए, तो मैंने कहा चलो विज़िट करते हैं इसको भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो हमारी लाइट्स होती हैं ये नज़र आई हैं, मुझे ये मुझे लेनी भी थी, तो मैंने कहा कि चलेंगे, स्टैंड के साथ है रिंग लाइट, तो ये मुझे लेनी भी थी, मैंने कहा चलें इसके प्राइस पूछते हैं। ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गई है, वैसे मुझे इसके प्राइस पता नहीं है कि क्या है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये सही ली है या महंगी ली है। ये मुझे 1200 की पड़ी है। इनके पास ये देखिए मोबाइल कवर्स भी थे और सारी मोबाइल्स की जो एसेसरीज होती हैं वो थी इनके पास। ये माइक इन्होंने हमें 600 का बताया था। अब जो कुछ भी मैंने लिया है वो मैं आप लोगों से लास्ट में शेयर करूंगी। ये देखिए ये मैंने ली है रिंग लाइट। इसके अलावा जो है वो मैंने एक अपने मोबाइल का कवर लिया है और एक मैं लास्ट में आपसे एक पिक्चर शेयर करूंगी, वो है एक शीट है उसकी एल्युमिनियम की ना, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो मैंने बिन हाशिम से ली थी और उससे मैंने अपने पूरे किचन को जो है वो डेकोर किया है, तो उसके अभी मैं जल्द व्लॉग बनाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।